चलिए दोस्तों, सुबह के 7 बज चुके हैं। आज की बड़ी प्यारी सुबह है, सूरज भी अब निकलना शुरू हुआ है। हल्की हल्की धुंध है और हल्की हल्की ठंड है, और इसी बीच हम आपको हमारे लाभ का शो करा रहे हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम आपको हमारे बिल्डर और ट्रेनर जोड़ों का शो कराएंगे। इसलिए दोस्तों, बने रहिए आखिर तक हमारे साथ। चलिए दोस्तों, हमारे बिल्डर और ट्रेनर जोड़ों का शो करते हैं। लीजिए दोस्तों, शो करें। दोस्तों, आप इसे बेदाग कबूतर भी कह सकते हैं या फिर चोटीदार कबूतर भी कह सकते हैं। दोस्तों, ये कबूतर लो फ्लायर होते हैं। ये आसमान में गहराई में नहीं जाते, बल्कि अपनी छत के ऊपर गोल घेरों में उड़ते रहते हैं। 2-4 चक्कर लगा के ये कबूतर अपने छत पर बैठ जाते हैं। ये इन कबूतरों की खूबी है। अगर आप नए पट्ठों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो आप इन कबूतरों के साथ नए पट्ठे उड़ा दें। ये कबूतर उन्हें 2-4 राउंड लगाकर छत पर बैठा देंगे। ऐसा एक सप्ताह करने पर आपके पट्ठे पूरे इलाके को अच्छी तरह जान लेंगे और अपने छत के पक्के हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, इस पहले जोड़े का शो करते हैं। दोस्तों, ये कबूतर अच्छे बिल्डर कबूतर भी होते हैं, इसलिए मैं अक्सर इनके नीचे दूसरे कबूतर के पट्ठे पलवाता हूँ। और दोस्तों, आप यकीन मानो, ये कबूतर बड़े तंदुरुस्त बच्चे पलवाते हैं। इसलिए दोस्तों, आपके पास लो फ्लायर या गोले कबूतर है तो आपके पास बहुत बढ़िया खजाना है। अगर दोस्तों आपके पास यह कबूतर नहीं है तो कहीं से एक या दो जोड़े ज़रूरन खरीद कर लाए। दोस्तों, इस जोड़े ने एक अंडा रख दिया है। अब ये जब दूसरा अंडा रख देंगी, इसके अंडे बदल दिए जाएंगे और इसके नीचे नस्ली कबूतर के बच्चे पलवाए जाएंगे। दोस्तों, ये कबूतर आसमान में गहराई में नहीं जाते तो इनका ज़ाया होने का सवाल ही नहीं, और ये इतने नीचे से उड़ते हैं कि बाज बेरे का भी कोई खतरा नहीं होता। चलिए दोस्तों, अब अगले जोड़े का शो करते हैं। लीजिए दोस्तों, ये अगले जोड़े का शो करें। दोस्तों, गोले कबूतर जो होते हैं ना, वो देखने में बाकी कबूतर के मुकाबले बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और गोले कबूतरों की मुख्तलिफ नस्लें हैं और इनकी अलग अलग पहचान होती है। और गोले कबूतर वजन में हाई फ्लायर कबूतर के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा होते हैं। गोले कबूतर के पंजे मोटे मोटे होते हैं या फिर उनके पंजों पे पर होते हैं, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। बहुत ही खूबसूरत और नायाब जोड़ा, शो करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब इनके बच्चों का शो कराते हैं। लीजिए दोस्तों, इस खूबसूरत मादिन के बच्चों का शो करें। इसके नीचे भी हमने किसी और के अंडे रखे थे दोस्तों। शो करें दोस्तों। दोस्तों, इन कबूतर की गर्दन गोल और मोटी होती है, और दोस्तों ये कबूतर टुकड़ियों में उड़ना पसंद करते हैं। चलिए दोस्तों, एक और जोड़े का आपको शो कराते हैं। लीजिए दोस्तों, ये आखिरी जोड़े का शो करें। इन पक्षियों को अक्सर उनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के कारण
घरों में पालतू जानवर के रूप में रखा जाता है। चलिए दोस्तों, इन्हें छोड़कर इनका शौक कराते हैं। लीजिए दोस्तों, शौक करें। दोस्तों, कबूतर और इंसान का रिश्ता बहुत पुराना है। आज से लगभग 5000 साल पहले भी कबूतर इंसानों के बीच करीब में हुआ करते थे। दोस्तों, गोले कबूतरों में सुनने की और देखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, इसलिए अक्सर ये जाया नहीं होते, ना ही किसी और के छत पे उतरते हैं। लीजिए दोस्तों, इस कबूतर और उसके पट्टे का शौक करें। दोस्तों, अगर आप गौर से देखेंगे तो इस सफ़ेद कबूतर के नीचे एक काले कलर का बच्चा नज़र आएगा, जो किसी और नस्ल का है। दोस्तों,